नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थों की शुद्धता, साफ सफाई, मिलावट को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। इसके चलते विदिशा जिले भर में भी खाद्य एवं औषधि विभाग अन्य विभागों के सहयोग से सतत निगरानी कर रहा है। हॉस्पिटल रोड पर नायाब तहसीलदार पारुल चौधरी के साथ खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक एडमिन एलिजाबेथ पन्ना और अन्य अधिकारियों ने हॉस्पिटल रोड की तमाम खाद्य पदार्थों को विक्रय करने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। कई जगह गंदगी और साफ सफाई न होने को लेकर सख्त निर्देश दिए। राजस्थान स्वीट भंडार से हमने स्टार्टिंग करी है आज फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ यहाँ पे मिलके। तो हमें यहाँ पर पूरे मानकों पे देखना था कि कौन कितना खरा उतरता है। तो उनके साफ़ सफाई को लेके सारे जितने भी फूड के रॉ मटेरियल रहते हैं उनके सैम्पलिंग लेके हम लोगों ने टेस्ट किया है, और जो भी इनके यहाँ कमी पाई गई है उसके लिए हमने इनको सुधारने के लिए हिदायत दी है। अभी फिलहाल में आपने क्या देखा, क्या कमियाँ पाई गई यहाँ पर? सबसे ज़्यादा कमी इनके साफ़ सफाई की रही है। बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं थी, तो उसके लिए हमने उनको हिदायत दी है कि आप 7 दिन के अंदर सभी कुछ ठीक कर लीजिएगा। विजय विद्रोही की रिपोर्ट।